ये अपने पति के नाम का टैटू बनवा के आई है मंदिर से। धुएं निकल गए मेरे और नाक से पानी भी निकल गया। The monkey and the cat. हाँ। It was the day after Christmas. ये काली काली आँखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 15 जनवरी और बज रहे हैं सुबह की 9:15। अम्मा आ गई हैं काम करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था वो आज आएंगी, तो मैंने बर्तन तो रात को ही धो के रख दिए थे। सुबह सुबह उनका कॉल आया, मैंने कहा आपकी मर्जी, आप आना चाहती हैं आए, आप आराम करना चाहती हैं आप आराम करें, बट वो आई हैं काम करने, वो बाहर अपना काम कर रही हैं। और आज सुबह 10 बजे की वीर की क्लास है, तो बस करते हैं आज का रूटीन ऐसे ही शुरू। डर के उठी? वेरी गुड मॉर्निंग। बंद करो, फैन ऑफ करो, उठो बेटा, ब्रश ब्रश कर लो, जल्दी करो, यहाँ वहाँ नहीं सोते। वीरा, वीर, ये तो इसकी तो 10 बजे क्लास है, ये 10 बजने में 2 मिनट होंगे तब उठेगा। उठो, क्लास है, सैटरडे आज सुबह की क्लास है। और ये रही हमारी अम्मा जो ट्रिप मार के आ गई 4 दिन की बिना प्रसाद के। चना के आई तू ट्रिप अम्मा? सुपर आई तू। नेक्स्ट ईयर नन के तगोन होती है, हैं? पक्का। और ये रही सुबह की पहली चाय। हमारी अम्मा क्या दिखा रही है? दिखाओ अम्मा, दिखाओ तोर्स। ये अपने पति के नाम का टैटू बनवा के आई है मंदिर से, है ना अम्मा? बप्पन, बप्पन प्रसाद बेड़ा, बप्पन बेकू। प्रसाद नहीं लेके आई है, अब अपने पति का नाम लेकर देखो अम्मा क्या करवा के आई है। चना के आई तो अम्मा सुपर। इष्ट प्रीति मारती है निम्द हस्बैंड जोते। निज निम्द हस्बैंड देखो बोल रही है मुझे बहुत 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 प्यार है। और एक और बात बता दूं कि इनकी लव मैरिज हुई है, था ना? हाँ, लव मैरिज मारी दिलवाना। यहाँ चल रही है वीर की क्लास। आज सैटरडे है तो मॉर्निंग क्लास चलेगी इसकी। और आज है सब्जेक्ट में स्टोरी और राइम्स। जस्ट नाउ बड़ी मुश्किल से वीर ने रीड किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है स्टोरीज़ के लिए, राइम्स के लिए, क्राफ्ट के लिए। बस पढ़ाई में अच्छा है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है। हाँ वीर, थोड़ा राइम वाइम किया करो बेटा। हाँ, और यहाँ मैं चली हूँ बनाने के लिए इडली। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल नॉर्मल इडली जैसे बनाते हैं, फिर उसको करूंगी फ्राई और फिर खाएंगे हम ग्रीन चटनी के साथ, क्योंकि रोज रोज वही कोकोनट चटनी, रेड चटनी और सांभर के साथ खा खा के बोर हो गए हैं। और दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि मेरे बच्चों को और बच्चों के पापा को पसंद आती है कि नहीं आती है। ब्रजेश तो गए जिम करने इतना लेट, आज मेरे ही व्लॉग की वजह से लेट हो गया, क्योंकि आज का जो व्लॉग है बहुत लंबा गया। तो बस फ्राई कैसे करते हैं मैं दिखा दूंगी। सिंपल है, शायद आप सबको आता भी होगा, ज़्यादा करना नहीं है। बट पहले मैं नॉर्मल स्टीम कर लूँ इडली। आज की क्लास में वीर ने सीखा बोट बनाना। तुमने सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा। हाँ नहीं सीखा। हाँ अक्का इसको सिखा देना आज, मैम PDF भेजेंगी, तुम भी सीख लेना, इसको भी सिखा देना, ठीक है? हाँ डालेंगे अभी, रुको अभी डालेंगे पानी में, रुको अभी। तो जब तक मेरी इडली रेडी होती है मैं बता देती हूँ कि हम इसको फ्राई कैसे करेंगे। मैंने ली है ग्रीन चिली, सिर्फ दो ही ली हैं क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं। करी लीव्स कंपलसरी है, इसके बिना स्वाद ही नहीं आएगा। अनियन, दो छोटे अनियन लास्ट में डालने के लिए, कोरिएंडर, और मैं डालूँगी ऑयल में सबसे पहले मस्टर्ड, थोड़ा सा जीरा, और एक चीज़ और है लेना भूल गई मैं, ये थोड़ा सा सांबर पाउडर। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ये डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा, और ऊपर से डाल देंगे प्याज और करी लीव्स। तो बस प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। और ये हल्के से हम हल्दी और लाल मिर्च भी डाल देते हैं क्योंकि खाली सांभर मसाले से क्या होगा। और ये डाला सांभर मसाला, ये डाला हल्का सा नमक, क्योंकि इडली बैटर में भी मैंने नमक डाला है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस इसको मिक्स किया। और ये जो इडली हम नॉर्मल बनाते हैं उसको मैंने ऐसे 4 पीस में काट दिया था, इसको कर दिया मिक्स, ये रह गई ऐसे। अब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। और बस लास्ट में डाल देंगे धनिया, सुंदर दिखाने के लिए। तो ये रेडी है हमारी गर्मा गर्म फ्राइड इडली। ले लो, इडली ही है, ये फ्राइड इडली है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। इनके तो हैं एग्ज़ाम परसों से, मंडे से है ना, जोरों शोरों पे चल रही है तैयारी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और ये रही मेरी प्लेट। बना तो बहुत अच्छा था, वो धुएँ निकल गए मेरे और नाक से पानी भी निकल गया। कैसे खा रही हो वीरिका? नाश्ता तो हो गया, अब बना रही हूँ मैं लंच। और लंच में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, क्योंकि ले दे के बचा है मेरे पास करेला और लौकी। तो इसमें भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ड्राई बनाऊँ कि ग्रेवी में बनाऊँ। ब्रिजेश अभी तक आए नहीं है, जिम से आए, नाश्ता करें, तो उनसे पूछूं तो कोफ्ते बना के छोड़ देती हूँ, फिर देखा जाएगा कि उनको ग्रेवी में डालना है कि ड्राई बनाना है दाल के साथ। बट अब ये नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं पहले शायद एक बार दिखा चुकी हूँ लौकी के कोफ्ते। बस अब हमारा वीर करेगा रीडिंग, सॉरी, वो भी मेरी बिना हेल्प के। जहाँ फंसोगे मैं बताऊंगी तुमको, मुझे बस देखना है कि कितना तुमको आता है, कितना फोनिक साउंड से तुम पढ़ सकते हो। हाँ, शुरू करो। हाँ, ये पहली गलती तुम्हारी, जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले चैप्टर का नाम लेते हैं। अब ये स्टोरी है तो तुम्हें बोलना है द मंकी एंड द कैट्स, ठीक है? हाँ चलो बोलो। The monkey and the cat. हाँ। It was the day after Christmas. Two cats were roaming on the streets. They found a cake outside a bakery. ये साइट वर्ड है, पढ़ चुके हो. देयर, हाँ, देयर मेंस माउथ्स बिगिन टू वाटर. वेरी गुड. Both of them wanted the cake. They began to fight over it. Finally, one of them came up with an idea. He said, "Let's divide the cake into two halves and take a piece each. But how do we divide it?" The के आगे भी लिखा था. नेक्स्ट लाइन, द OTHER अदर कैट. वेरी गुड. बस मेरे लिए बहुत है. आगे मैं सुनूंगी, इसको मैं बंद करूंगी. रुको. आई एम सो हैप्पी. एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी इसने रीडिंग की है उससे पहले मैंने ना तो इसको पढ़ाया था ना साथ में बिठा के सिखाया था. जो भी अभी तक वो पढ़ता आया है और मैंने नोटिस भी किया है कि जब ये टीवी देखता है या यूट्यूब पे कुछ सर्च करता है तो हम लोगों से स्पेलिंग पूछ के जाता है एंड खुद ट्राई करता है. साउंड के ज़रिए वो अल्फ़ाबेट को जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करता है खुद ब खुद और बहुत रीडिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है. क्योंकि यूकेजी में हो ना, हाँ, यूकेजी के बच्चे ऐसे पढ़ लें. वीरिका भी नहीं पढ़ पाती थी इसकी मैं क्या बात बोलूँ, वीरिका भी नहीं पढ़ पाती थी. हालांकि फर्स्ट से उसने भी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी बट यूकेजी तक तो, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया नहीं था. नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी मैंने उसको पढ़ाया नहीं था तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है. उसके स्कूल में ही बुक्स रहा करते थे, सिर्फ हम पानी और खाना देते थे. उसके बाद सिर्फ उसको वीकली वंस और ट्वाइस होमवर्क मिलता था, वो भी खुद ही कर लेती थी. तो 3 साल तक तो मैंने उसकी बुक उठा के देखी भी नहीं थी. इसका मैंने सब कुछ देखा है. इनकी टीचर जो पढ़ाती है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है. मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनकी टीचर जैसे पढ़ाती है ना, उससे हम पेरेंट्स को भी सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं. और ओवरऑल मैं इसकी रीडिंग से तो बहुत खुश हूँ. है ना वीर मम्मी? हाँ मम्मी. अगर मैं फर्स्ट में जाऊँगा तो ऐसे ही पढ़ूँगा जैसा भी पढ़ता हूँ. इससे भी ज़्यादा पढ़ोगे? हाँ, पर इसका खुद का भी इंटरेस्ट है पढ़ाई में, है ना. बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका है. चलो बाय बोल दो. बाय. और तुमको क्या चाहिए इसके बदले? ये, हाँ, देती हूँ मैं तुमको. हाँ बेटा, वो मीठा है ना? हाँ, अभी होगा मम्मी. वो मीठा है ना? हाँ मीठा है, चॉकलेट है भाई, चॉकलेट. तुमको भी चाहिए क्या? चॉकलेट कॉस्टली वाला. अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कब से बैठी हूँ नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखने. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसका नाम है ये काली काली आंखें और मैं उसके 5 एपिसोड निपटा चुकी हूँ. मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला. वीर को पढ़ाने के बाद मैं यहीं बैठी हुई हूँ और एकदम से अभी मेरे को अचानक से याद आया कि मेरे को बहुत अर्जेंट काम के लिए जाना है. मन तो नहीं कर रहा सीरीज़ बंद करने का, इतनी इंटरेस्टिंग है. बट मैं जाती हूँ 5 मिनट में काम करके, फिर वापस आके फिर से देखूंगी ये काली काली आँखें. अभी बज रहे हैं रात के 7:15 और मैं जा रही हूँ सरसों का साग लेने। बड़ा मन है सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने के लिए, यहाँ मिलता नहीं है। मंजू दी को ऑर्डर दिया था तो सुबह उनका कॉल आया था कि ले आए हैं, ले जाइए, और अभी टाइम मिला है जाने का तो जल्दी से जाऊं और जल्दी से लेके आऊं। ये देखिए, मुझे सरसों का साग तो मिल गया, स्पेशली ऑर्डर देके मंगाया। तो पालक नहीं मिली, पालक भी चलो सुबह मिल जाएगी, पर सबसे बड़ी बात थी इसको जिससे खाते हैं उसका आटा नहीं मिला, मकई का आटा नहीं मिला। मुझे कितनी दुकानें देख ली, डी मार्ट पूरा घूम लिया, नहीं मिला। इसीलिए अब मैं इसको काट पीट के नहीं रखूंगी, वरना आज सोचा था पूरा काट वाट के रखूंगी, सुबह बनाऊंगी, पर नहीं बना पाऊंगी कल। तो वीर का कल हम छोले भटूरे खाएंगे, चलेगा? वो भी तो बहुत दिनों से नहीं खाए ना, है ना? बट ये पूरी के भटूरे, भटूरे जो तुमको बहुत पसंद है। तो अब जब तक कि मिल नहीं जाता मकई का आटा, पहले मुझे आटा ही अरेंज करना चाहिए था। चलो ठीक है, एक तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, सिर्फ एक ही बार खाया था वहाँ पे, वो भी घर में अपने भाभी ने बनाया था। अपना मेरा टूट गया, चलो कोई नहीं। तो बस कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं रात के 8:45, 9:45। हम जा रहे हैं सोने के लिए, ब्रजेश गए नीचे पान खाने के लिए। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन, बाय।